बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत के लिए काफी अहम दिन है, जहां आज खुलेगा बंद लिफाफे का राज। राज्यपाल के फैसले का सभी को है इंतजार और राज्यपाल करेंगे हेमंत सोरेन पर फैसला। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है ये पूरा मामला, जिस पर चुनाव आयोग ने बता दे आपको कि राज्यपाल को अनुशंसा भेज दी है। तो झारखंड की सियासत से एक बड़ी खबर और झारखंड के सियासत के लिए काफी अहम दिन, जहां आज बंद लिफाफे का राज खुल जाएगा। राज्यपाल के फैसले का सभी को इंतजार है। पूरा मामला हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला है और लगातार इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर राज्यपाल का फैसला क्या कुछ होगा। तो आपको पूरा मामला बता दें कि चुनाव आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, जिसमें भाजपा और हेमंत सोरेन की ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया था। 18 जुलाई को यह आखिरी सुनवाई हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपने अनुशंसा को, अपने राय को लिफाफे में बंद कर कल राजभवन भेज दिया है और राज्यपाल भी रांची पहुंच चुके हैं। पूरे फैसले का सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि राज्यपाल विधि और संविधान के विशेषज्ञों से राय मशवरा करेंगे और उसके बाद ही अपना फैसला सबके सामने रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी संजीव के साथ, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आज खुलेगा उस बंद लिफाफे का राज और सभी की निगाहें जो है वो राजभवन पे टिकी हुई है, राज्यपाल के फैसले पर टिकी हुई है, क्या है पूरी जानकारी? खुशबू, बता दें कि आज का दिन झारखंड के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले जो है उसमें सीएम की सदस्यता जाएगी या उस पर क्या चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, ये सारी चीज़ सामने आएगी। तो अगर हम सूत्रों के हवाले से ये मामले की बात कहें तो जो सूत्र बता रहे हैं उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें इनकी सदस्यता जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के आज का सारा दिन गवर्नर हाउस और राजभवन के ऊपर ये नज़र रहेगी कि आखिर सरकार को किस दिशा की ओर लेके गवर्नर जा रहे हैं और गवर्नर इस सारे जो मामले हैं उसको कैसे लोग क्या क्या उसमें करेंगे, ये नज़र बनाए रखने की आज की जो कार्रवाई है, कैसे गवर्नर इस चीज़ों को सामने लेके आएंगे वो देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान में 192 अनुच्छेद के अनुसार राजभवन इसको एक पावर मिली हुई है, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को लेटर के थ्रू विधान मुख्यमंत्री हैं उनका सदस्यता खत्म करने की जानकारी दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल खुद मुख्यमंत्री को भी अपने पास बुला के इसकी जानकारी देते हुए उन्हें इस्तीफा देने को कह सकते हैं। तो कुल मिला के आज देखा जाएगा कि आखिर उनकी सदस्यता पे क्या सवाल, सदस्यता पे क्या मामले सामने आते हैं और राज्यपाल क्या जो बंद लिफाफे आया है बिल्कुल दिल्ली से, बिल्कुल संजीव, बंद लिफाफे में आखिर क्या है इसका इंतजार सभी को है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रांची में जेएमएम के विधायकों को 9 बजे मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है, वहीं 11 बजे यूपीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। देखिए, एक तरह से जिस तरह से राज्य में राजनीतिक घटना जिस तरह से चल रही है उसे देखते हुए सभी पार्टी अपने अपने विधायकों के साथ इस पे आगे की रणनीति के लिए तैयार करने के लिए इसमें जुट गए हैं। वहीं अगर हम देखें कि कल भी जब सारे विधायक थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और इस सीटों पे चर्चा हुई थी, वहीं दूसरी ओर कल देर रात कांग्रेस के भी इस पे बैठक हुई है और कांग्रेस ने भी इस पे सारी फीडबैक ले रहे कि आखिर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो आगे कैसे सरकार को किस तरह से इस पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर जारी है और जिस तरह से राज्य में राजनीतिक संगठन एक तरह से संकट उत्पन्न हुई है उसे देखते हुए गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के साथ है और आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। जी, आगे की रणनीति बनाने में महागठबंधन की सरकार जो है वो जुटी हुई है, लेकिन अगर गणित को भी देखें संजीव तो महागठबंधन के ही पक्ष में है ये सारे विधायक और अगर कोई
चुनाव होता है तो उसमें महागठबंधन के तरफ ही है, तो मतलब सरकार पर कोई खतरा मंडराता हुआ नहीं दिख रहा है। जी आपने सही कहा कि सरकार के ऊपर कोई इस तरह की घटना नहीं खतरा नहीं है और सरकार बिल्कुल स्टेबल है। जेएमएम की और गठबंधन की सरकार बिल्कुल स्टेबल है। और अगर संख्या दल की बात करें तो अगर इनकी सदस्यता जाती है उसके बाद भी सरकार के पास 51 विधायकों का समर्थन है जबकि बीजेपी के पास 26 विधायकों का समर्थन है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार को कोई इससे खतरा नहीं है उनकी। हाँ, सिर्फ ये चीज़ हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पे चर्चा भले हो सकती है कि आखिर इनकी जब सदस्यता जाएगी तो ये मुख्यमंत्री से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा हेमंत सोरेन को, उसके बाद आगे कौन मुख्यमंत्री होगा इस पे सारी बातों की निगाह रहेगी लोगों की। बिल्कुल संजीव, अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बाद की बात है, पर फिलहाल सभी की निगाहें जो है वो राजभवन पर टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या कुछ होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। तो बता दें कि आज बंद लिफाफे का जो राज है वो खुल जाएगा और राज्यपाल के फैसले का सभी को इंतजार है। बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा राजभवन को भेज दी है और झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम है।